हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न लेसन थर्ड ऑफ ईवीएस, सोर्सेज ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ से मिलता है, खाना हमें कहाँ से मिलता है। एज वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सभी लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है। इट बिल्ड्स एंड रिपेयर्स आवर बॉडी, इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, ये हमारी बीमारियों से भी रक्षा करता है। सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, तो इसीलिए खाना हर लिविंग बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत एसेंशियल होता है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो किस चीज़ की हेल्प से बनाते हैं? वाटर, पानी, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोसफियर में एक गैस होती है वो, और क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से सभी जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के हमें नज़र आते हैं। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की नज़र आती हैं, तो उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन चीज़ों की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और जब वो खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना खाना दूसरी चीज़ों से लेते हैं, यानी कि वो दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। तो ये सोर्सेज, इन सोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो प्लांट्स विच गिव अस फूड, हमें कौन कौन से प्लांट्स से फूड मिलता है? देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ फूड प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, टी, कॉफी एंड ड्राई फ्रूट्स। तो प्लांट्स से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती है, सेरल्स यानी कि अनाज मिलते हैं, पल्सेस यानी कि दालें मिलती हैं, स्पाइसेस मसाले मिलते हैं, चाय, कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स जो सूखे मेवे होते हैं, ये सब चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती है। और एनिमल्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? वी ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक चिकन, फिश एंड गोट, ये सब चीज़ें हम एनिमल्स की ही खाते हैं। वी ऑल्सो गेट एग्स, हम अंडे भी एनिमल्स से ही लेते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क, हमें मिल्क के लिए भी एनिमल्स पर ही डिपेंड होना होता है। तो काउ, बफेलो और गोट ये हमें मिल्क देते हैं। और हमें हनी यानी कि शहद कहाँ से मिलता है? हनी बी से, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपना फूड बनाने के लिए। सो फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एज इट हेल्प्स अस इन ग्रोथ ऑफ आर बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी। तो फूड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है, हमें बढ़ाता है और हमें एनर्जी देता है। द फूड दैट वी ईट शुड हैव सम इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स नेसेसरी फॉर आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो खाना भी हमें ऐसा खाना चाहिए जो कि जिसमें हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हों, यानी कि उस खाने में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो और जिससे हमारा विकास हो। तो ऐसे कॉम्पोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये 7 जो हैं ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे खाने में ये सब चीज़ें, ये सब न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से फूड आइटम्स से मिलता है।